माँ कल से छोटे को स्कूल लेके जाओ माँ। ये दोनों बच्चे भी यहाँ पढ़ेंगे। फाड़ दिया, छोड़ेंगे नहीं तुमको। दीपोर बेंगरी डंगरी इधर आओ, इधर आओ। भैया मैं वो स्कूल नहीं जाऊंगा, मास्टर लोग मारते। छोटे के पढ़ाई में पैसों की दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि तुम्हारे काम में मैं भी हाथ बटाऊं। अजी गणेश तो दो दिन के लिए ही आया था ना, तो महीना भर होने को जा रहा है और जाने का नाम भी नहीं ले रहा है। माँ सुनो, मैं वहाँ बोल पहाड़ी में नहीं रहूंगा। पढ़ाई छोड़ना चाहता है क्या? मेरे साथ शादी करोगे कि नहीं वो बता मुझे। ये बैंक में नौकरी करता है, तुम्हारा औकात भी है? दोनों बच्चों की परवरिश कैसे करूं समझ ही नहीं आ रहा। बाबा सब लोग तो नए नए कपड़े पहन रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं पहन रहे? बोलो ना बाबा। तुम्हें हड़िया बीस से दिखता मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो सोचा मैं तुम्हारा हार्ट बता दूंगा। बाबा नहीं तो मैं ही इसे साइकिल से पहुंचा दूंगा टाटा। बेटा टाटा तो बहुत ही दूर है और हाथियों का भी तो डर है। तुम कसम खाओ एक दिन तुम कामयाब होगे जरूर। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। नहीं जाएगी। तुम लोग निकलो मेरे घर से। अरे भाभी को तुम ही लेके भाग जाओ। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप, भाभी से प्यार आप करते हैं और भगा के मुझे ले जाने को कह रहे हैं। तुम प्याल झलते क्या बोलते हो? कभी मांस मछली ही नहीं खाई हूँ, इसीलिए मुझे इसमें दिलचस्पी ही नहीं है। आज के बाद तुम पूरी पूरी कढ़ाई चट कर जाओगी। दौड़ने से पहले इष्ट देवता को याद कर लेना। हाँ बाबा जरूर करूँगा। क्या दिनेश बेटा? अरे गणेश बेटा तो पास हो गया। मुझे सब पता है, मुझे डर है। मैं भी उधर ही का हूँ, रैरमपुर उड़ीसा से। और सर आप कहाँ से? मैं तो बिहार से हूँ। ये एलएसी का जगह, दोनों देशों ने तय किया था यहाँ किसी का भी कब्जा नहीं होगा। फिर ये टेंट कैसा? हमें ऊपर से ऐसा करने के लिए आदेश मिला। ये एलएसी है, भारतीय सीमा है, यहाँ किसी की भी दखलंदाजी नहीं चलेगी। हटिया से साले चीनी हमारे सब्जी का हाथ लगाएगा।